पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। नमस्कार दोस्तों, आज से 10 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि टॉलीवुड इस मुकाम पर पहुंच जाएगा कि बॉलीवुड एक्टर भी साउथ फिल्मों में काम करते नजर आएंगे। हाल ही में रिलीज हुई दो साउथ फिल्मों KGF चैप्टर 2 वायलेंस 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 आई डोंट लाइक इट और RRR ने पूरे विश्व में धमाल मचाया हुआ है। RRR ने कुछ दिन पहले ही 1050 करोड़ की कमाई पूरी की है और अभी भी कमाई का सिलसिला लगातार जारी है। और वहीं दूसरी फिल्म KGF चैप्टर 2 ने तो रिलीज के 4 दिन बाद ही 600 करोड़ की कमाई पूरी कर ली थी। जितना शोर इन दोनों फिल्मों के अभिनेताओं की एंट्री पर सिनेमाघरों में मच रहा है, उतना शायद ही कभी आज तक मचा हो। आइए जानते हैं कि टॉलीवुड कैसे एक रीजनल बेल्ट होने के बाद भी देश के साथ साथ पूरे विश्व के दिलों में राज कर रहा है, और बॉलीवुड जिसे दुनिया की दूसरी फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता है, वह कैसे धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। साउथ फिल्मों की सफलता कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि कई सालों के संघर्ष का परिणाम है। आज से 10-15 साल पहले बहुत से साउथ एक्टर्स ने बॉलीवुड में काम पाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन बॉलीवुड में फैले नेपोटिज्म की वजह से उनको हमेशा इग्नोर किया गया। फिर इन एक्टर्स ने बॉलीवुड छोड़ रीजनल में ही काम करने का फैसला किया और काफी कड़ी मेहनत की। इसी मेहनत ने आज उन्हें ये मुकाम दिया है। आज बड़े बड़े बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर साउथ फिल्मों पर पैसा लगाने को तैयार हैं। साउथ की फिल्मों की पहचान उनकी ओरिजिनल स्टोरी है, जबकि बॉलीवुड ने अपना सारा ध्यान साउथ की फिल्मों के हिंदी राइट्स खरीदने में लगाया और साउथ की फिल्मों के हिंदी रिमेक बनाता रहा। लेकिन जब 2015 में बाहुबली को हिंदी में रिलीज किया गया तो उसने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इस मूवी ने पूरे नॉर्थ में साउथ की फिल्मों के लिए एक अलग जगह बना ली। तब से साउथ की हर मूवी हिंदी डब्ड आने लगी और बॉलीवुड से साउथ की फिल्मों के रिमेक बनाने का मौका भी छिन गया। साउथ की फिल्में हमेशा रूट से जुड़ी हुई होती हैं। इन फिल्मों में ग्रामीण रहन सहन, वेशभूषा, पूजा पाठ आदि को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया जाता है, जिससे भारत के लोग इन फिल्मों से बड़ी आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि भले ही ज्यादातर लोग आज गांवों से शहरों में बस गए हों, लेकिन उनका दिल अभी भी गांव में ही बसता है। जबकि बॉलीवुड फिल्मों में ग्रामीण पृष्ठभूमि को बहुत ही नेगेटिव रूप में दिखाया जाता है और इनकी ज्यादातर स्टोरी पश्चिमी देशों की संस्कृति पर आधारित होती है। टॉलीवुड की फिल्मों में सभी धर्मों के सम्मान पर बल दिया जाता है। इन फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं का कोई मजाक नहीं बनाया जाता और ना ही मुस्लिम धर्म से जुड़े लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है। जबकि बॉलीवुड में आए दिन देवी देवताओं पर फनी सीन बनते हैं और मुस्लिम धर्म को नेगेटिव रूप में दिखाया जाता है और कई फिल्मों में तो पूजा पाठ को भी एक मजाक की तरह दिखाया जाता है। साउथ फिल्मों के अभिनेता अपने फैंस के लिए इतने हम्बल होते हैं कि कभी कभी तो ये जज कर पाना मुश्किल होता है कि हीरो कौन है और फैन कौन है। ये सुपरस्टार अपने प्रशंसकों के साथ दोस्तों की तरह रहते हैं। दूसरी तरफ बॉलीवुड फिल्म स्टार केवल शो ऑफ करते हैं और कई बार तो वो अपने फैंस का भी मजाक उड़ा देते हैं। साउथ फिल्म जगत में नेपोटिज्म देखने को नहीं मिलता, जहां हर एक एक्टर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। छोटे बड़े एक्टरों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। जबकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद लोगों की नजरों में बॉलीवुड का स्तर काफी नीचे गिर गया है। उनकी मौत के बाद जो जो खुलासे बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में हुए हैं, उनसे लोगों के दिलों में बॉलीवुड की बची खुची जगह भी खत्म हो गई है। हमारे बाप लोगों ने अपना साम्राज्य महफूज रखने के लिए ही हमें पैदा किया है। कोई बाहर वाला आकर बैठ जाए और हम घास छीलते बैठे। नेपोटिज्म। तो दोस्तों, ये थी साउथ फिल्मी जगत की सफलता को लेकर हमारी रिसर्च। आपकी इस बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।